वहीं पर लीच पत्थर लीच खान को लेकर के मुख्यमंत्री काल में उनकी बहुत घेरेबंदी हो गई है। मुख्यमंत्री और उनके जो भाई हैं बसंत वो भी कटघरे में आ गए हैं। क्या लग रहा है ये जो बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज़ करके अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करती है, वो उसका वो एक नज़रिए से देखा जाए या वाकई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों कुछ गलतियां हुई हैं जिसका निराकरण जरूरी है? मेरे जानकारी में मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली और मैं जो संविधान के विशेषज्ञों के रूप में जानकारी किया जो संविधान के आर्टिकल 191 में प्रावधान है कि कोई भी माननीय अगर कहीं राज्य के कोई मंत्री पद का शपथ लिया हो या केंद्र में मंत्री पद का शपथ लिया हो वो लाभ वाली पद में वो लाभ वाली पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जहां तक लीज का मामला है ये सीधे सीधे ये सदस्यता समाप्त करने की मामला की ओर जा रहा है, ये बहुत गंभीर सवाल है। तो ये उसको विपक्ष का काम होता है कि सत्तारूढ़ को किसी भी काट घेरा में खड़ा करना, ये साबित करना, हर मोर्चे में विफल रहते हैं, वो अपना रणनीति है, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अगर इस तरह से लाभ वाली पद का या माइनिंग लीज के नाम से जो आरोपित है और संज्ञान राज्यपाल महोदय ले लिया है तो ऐसे परिस्थिति में हम तो सीधे संविधान के आकलन किया हूँ, मूल्यांकन करते देख रहा हूँ, उनकी सदस्यता तो खतरे में नजर आ रहा है। अगर ये साबित होता है तब तो संविधान के अनुच्छेद 191-192 लागू होता है, तो वैसे परिस्थिति में उनकी विधायक पद चली जाएगी, सदस्यता खत्म, और सरकार तो डामंडल अवस्था में। मैं तो ये देख रहा हूँ। तो क्या लग रहा है वाकई में मुख्यमंत्री के द्वारा आपके पास कुछ इनपुट्स हैं इस संबंध में कि मुख्यमंत्री ने वाकई कुछ गलतियाँ की हैं अपने मुख्यमंत्री के काल में? मुख्यमंत्री के काल में जहाँ पे माइनिंग लीज के बारे में जो उजागर हुई है तो ये हमको लगता है कि गवर्नर के कार्यालय से जो दस्तावेज मुझे मिला है, हालांकि हमारे दस्तावेज मेरे हाथ में नहीं आया लेकिन मीडिया के जरिए या लोगों के जानकारी से मिल रहा है कि दस्तावेज में तो पुख्ता सबूत है कि माइनिंग लीज उसके नाम से किया है। तो इस तरह का जो है ना ये तो षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया है। हाँ अभी भी है क्योंकि एक चीज है, सरकार जो चला रहे हैं जिसको कहते हैं बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, दिस इज द रियल डेमोक्रेटिक नॉर्म, ये है जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार, जनता के द्वारा वोट दे के जनता के द्वारा सरकार बन जाती है। लेकिन ये सरकार कोई भी अभी तक देखा 22 वर्षों में कि जनता के लिए सरकार नहीं बनी और जनता की सरकार है ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये तो पार्टी की सरकार है, ये व्यक्ति विशेष की सरकार है। तो हमको लगता है कि उसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तो भ्रष्टाचार कई मामले होंगे, मैं अभी हाल फिलहाल में मैं एक तो PIL किया था 2018 में खेलगांव से संबंधित 400 करोड़ का मामला है, मैं पिटिशनर हूँ। मैं तो ऐसा मुझे लगा था कि राजीव कुमार जी मेरा वकील है और उनके थ्रू में हमने दस्तावेज देखा कि विधानसभा का जो निगरानी समिति जिसमें सरजू राय जी कॉन्वेनर है और जिसमें कमिटी ने अनुशंसा कर दिया निगरानी समिति को कि सीधे सीधे पदाधिकारियों पर कार्रवाई बनता है, प्रथम दृष्टा जो दोषी करार दिया जाता है तो उन पर FIR किया जाए, निगरानी विभाग ने FIR नहीं किया। अब बुक मेरे पास लग गया तो मैं याचिकाकर्ता बन गया, PIL मैं किया और अभी हाईकोर्ट ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर का कॉपी मेरे पास आ गया। सीधे सीधे 400 करोड़ के मामले में दो दो खेल मंत्री, एक है सुदेश कुमार माथो, दूसरा बंधु तिर्की और तमाम अधिकारी लोग चपेट में आ गया। तो इस तरह से हमको लगता है, मैं एक डायलॉग बोला करता हूँ, झारखंड इतना परिपूर्ण धनी खनिज संपदा का झारखंड है, इतना धनी है कि जहाँ खोदोगे वहीं खनिज और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार।